हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को, उसी के टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ 32 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे BSTC की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, वैसे ही आप लोगों की हिंदी की क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। आज से आप लोगों को देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो पूरा टेस्ट लगाएगा आप लोग, 20 से छोड़कर किसी बच्चे को नहीं जाना है। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चंस, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप अध्यापक किस लिए बनना चाहते हैं? पैसा कमाने के लिए, छात्रों को नकल करने के लिए, विधायक बनने के लिए, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए? ये तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो अध्यापक की तैयारी करता है, अध्यापक बनने के पीछे उसका लक्ष्य क्या होता है, उसकी सोच क्या रहती है? समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सतत एवं संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? विद्यालय छोड़ने वालों की दर को कम करना, वी है शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित, सी है तनाव और चिंता को कम करना, डी है छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना। सतत और संचयी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तनाव और चिंता को कम करना। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में गुण के कारण देश के नेता बने थे, वह था अंग्रेजों का विरोधी भाव, बी है दृढ़ संकल्प शक्ति, सी है सुंदर व्यक्तित्व, तो डी है इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्या गुण था जो कि वो भारत के देश के नेता बने थे? दृढ़ संकल्प शक्ति, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अब देखिए, निर्धन छात्र है, गरीब छात्र है, आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। गरीब छात्र है तो आप समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करने की कोशिश करेंगे आवश्यकता अनुसार। तो जो बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय उगते हुए पाए जाएं तो क्या करना चाहिए? संबंधित छात्रों में कोई कमी हो सकती है, अध्यापन प्रक्रिया में कोई कमी हो सकती है, सी है कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, डी है उपयुक्त सभी कमियां हो सकती हैं। जो जब बच्चे पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे उगते हैं, मतलब सोने की कोशिश करते हैं, यानी उन्हें नींद आने लगती है, उपयुक्त सभी कमियाँ हो सकती हैं। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उनके साथ दुर्व्यवहार करे, वी है उन्हें रुपए उधार दे,
सी है उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें, डी है उनके घर जाया करें। सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में विभिन्न कार्य करने चाहिए, अकेले, सभी के सहयोग से, सी है पूर्ण रूप से दूसरों के भरोसे छोड़ना, डी है दूसरों को निर्देश देना। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में विभिन्न कार्य करने चाहिए, सभी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सो गाइस क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय की ओर से खेल टीम के साथ जाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जाने के लिए मना कर देंगे, बी है विद्यालय के पीटीआई से तुरंत संपर्क करेंगे, सी है प्राचार पर क्रोधित कर रहे होंगे, डी है संबंधित खिलाड़ियों से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। यदि आपके विद्यालय की ओर से खेल टीम के साथ जाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? विद्यालय के पीटीआई से तुरंत संपर्क करेंगे, वी ऑप्शन जो आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवा क्वेश्चन देखिएगा, किसी समूह के उद्देश्यों की सफलता के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है, कभी कभी, हमेशा, कभी नहीं, पता नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हमेशा। दसवां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक प्रभुत्ववादी शिक्षक की कक्षा का हाल लगभग हो जाता है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, छात्र उक्त शिक्षक की अनुपस्थिति में उन्मुक्त हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मान लीजिए यदि आपका चयन अध्यापक व्यवसाय में हो जाता है तो आप क्या करेंगे? नौकरी के प्रति उदासीन रहेंगे, अपने मित्रों को भी इस व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित करेंगे, सी है नौकरी के प्रति उत्साहित रहेंगे, अपना काम ईमानदारी से करेंगे। यदि आपका चयन अध्यापक व्यवसाय में हो जाता है तो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस 12वां क्वेश्चन हमारा है, आपने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा है क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, वी है कहीं और नौकरी ही नहीं मिल रही है, सी है यह परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल है, इससे परीक्षा देने का अभ्यास होता है। मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं बीएड करने के लिए तो आप बीएड क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है? अब तो घर बीएड बेकार हो गया है, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है, अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, वह अपने निर्णयों में विश्वास, सी है व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, डी है उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावना है। तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन देखेगा, चिकित्सा स्नातक होने के पश्चात उसने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, चिकित्सा में नौकरी के लिए परिचय का अभाव, रुचि नहीं थी, सी है निजी चिकित्सा व्यवसाय के लिए धन की कमी, डी है परिश्रम की कमी, रुचि नहीं थी, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्राय उच्च शिक्षा उद्देश्यहीन है क्योंकि वही विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं जिनका प्रतियोगिता में चयन नहीं होता, वे प्रतियोगिता की तैयारी के साथ साथ प्रवेश ले लेते हैं, सी है समय व्यतीत करने के लिए, डी है अध्ययन के लिए। प्रतियोगिता की तैयारी के साथ साथ प्रवेश ले लेते हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, 16वां क्वेश्चन क्या है, शिक्षण के फलस्वरूप खालिस्तान के व्यवहार में परिवर्तन होता है, शिक्षक छात्र अभिभावक शिक्षक एवं छात्र, शिक्षण के फल स्वरूप खालिस्तान के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक एवं छात्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण के बारे में सही कथन है,
छात्र एवं अभिभावक के मध्य अंतक्रिया, सीए उद्देश्य इन प्रक्रिया, डीए विकासात्मक प्रक्रिया, डी है केवल कला, विकासात्मक प्रक्रिया सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 18वां क्वेश्चन क्या है, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा करने वाले मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीबी, एडम्स, ब्लूम, इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ब्लूम, ब्लूम जिसे बोलते हैं ब्लूम। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा उत्तीर्ण करवाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास, व्यवहार में कुशलता लाना, छात्रों को भेदभाव सिखाना। शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, छात्रों का सर्वांगीण विकास, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 20वां क्वेश्चन हमारा है शिक्षक के फलस्वरूप बालक भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में समायोजन करना सीख जाता है, अतः शिक्षण है। तार्किक क्रिया, प्रगतिशील क्रिया, अनुकूलन क्रिया, उपचारात्मक क्रिया, तो ये कौन सी क्रिया है, ये है अनुकूलन क्रिया, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता, डीए कुशल प्रबंधन करने में सहायक। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पुरस्कार, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी बच्चे, शिक्षक का नियोजित चर क्या होता है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या विद्यालय, शिक्षक का नियोजित चर क्या होता है। देखिए, शिक्षक का जो नियोजित चर होता है वो होता है पाठ्यक्रम, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शिक्षक का वह स्तर जिसके माध्यम से व्यक्ति जटिल समस्याओं का समाधान करता है, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, इनमें से कोई नहीं। इसको हम बोलते हैं चिंतन स्तर, ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 24वां, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षा को क्या लाभ हो सकता है, बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, बी है व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ एवं सुंदर रहता है, सी आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, डी है बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। इसमें देखिए जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। 25वां क्वेश्चन देखिएगा, परिवक्तता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है, इस कथन से आप सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, कुछ नहीं कह सकते। परिवक्तता का प्रभाव अधिगम पर पड़ता है, इस कथन से आप सहमत हैं, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं और आपके किसी विद्यार्थी के पास रुपए खत्म हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप व्यवस्था कर देंगे, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यदि मान लीजिए छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए, संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, डी एस संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए, बताइए क्या आंसर होगा। वही होना चाहिए, संबंधित छात्रों एवं कर्मचारियों से पूछताछ करके यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विद्यालय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है, विद्यालय से अवकाश लेकर, बी है परस्पर विचार विमर्श द्वारा, सी है अधिकारी की मदद से, डी है प्रधानाचार्य के सहयोगात्मक रवैये से। प्रधानाचार्य के सहयोगात्मक रवैया से, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29वां क्वेश्चन है कि बच्चों का विकास बहुत बड़ी मात्रा में उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है, तो आप इस कथन से सहमत हैं, कभी कभी सदैव समवता पूर्ण सहमत,
ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सदैव। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 30 क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसे संबंध रखना चाहेंगे? कोई संबंध नहीं, प्रजातांत्रिक राजतांत्रिक अच्छे। कक्षा में आप छात्रों के साथ संबंध कैसे रखने चाहेंगे? अच्छे संबंध रखना चाहेंगे, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किया जा सकते हैं? दावा निरर्थक है, दावा सार्थक है, संभवता आंशिक रूप से ही दावा सकते हैं, संभवता इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 32, कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं सहायक सामग्री, बी एस शिक्षक, सी एस छात्र, डी है ज्ञात नहीं। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं छात्र, तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का महत्वपूर्ण साधन है अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, सी है ऊंचे स्वर में बोलना, डी है उपयुक्त सभी। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु साधन है, लक्ष्य है, सहायक या विधि? साधन है, ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, कि शिक्षण की पाठ योजना में अध्यापक छात्र के व्यवहारों को लिख लेता है, अनुमानित करता है, कल्पना करता है, समझने का प्रयास करता है? क्या करता है? समझने का प्रयास करता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है विद्यालय में, समाज में, घर में या मित्रों से? उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक घर में ग्रहण करता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 37वां क्वेश्चन क्या, निम्न में से सत्य कथन है, अधिगम एक प्रकार का विकास है, परिवक्तता एक प्रकार का विकास है, अधिगम परिवक्तता विकास है, डी है केवल शारीरिक एवं नैतिक गुण विकास है। इसमें देखिए जो आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अधिगम परिवक्तता विकास है। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अधिगम में पठार उत्पन्न होने का कारण हो सकता है अभिप्रेरणा होना, अध्यापक के पढ़ने की शैली अच्छी होना, सी रुचि नहीं होना, डी है पाठ्यक्रम आसान होना। रुचि नहीं होना, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, 39 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विद्यार्थी और आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, इस कथन से आप असहमत हैं, सहमत हैं, कोई सहमत है, अनिश्चित है? असहमत हैं, ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा इस क्लास का, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का अधिगम है संकेत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उत्पीत अधिगम, नियम अधिगम। तो जो बच्चे इस बी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, समस्या समाधान अधिगम। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने बीएसटीसी और पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के कुल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 40 में आपको 35 क्वेश्चन के सही जवाब बताने थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।